दोस्तों अगर आप आरजीपी स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आरजीपी से ट्रांसक्रिप्ट डॉक्यूमेंट कैसे बनवाएं। दोस्तों मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि ट्रांसक्रिप्ट डॉक्यूमेंट आपको तब लगता है जब आप विदेश में यानी किसी दूसरे देश में जॉब करने जाते हैं, तो वहां पे आपको डिग्री के साथ साथ ट्रांसक्रिप्ट डॉक्यूमेंट की भी जरूरत होती है जो कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से ही बनता है। दोस्तों अगर आप भी जाना चाहते हैं तो इस वीडियो का जरूर देखें। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रतीक सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बटी ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जहां पर हम जानेंगे पूरी प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है और आरजीपीवी को सर्च करना है। वैसे तो अगर आप आरजीपीवी स्टूडेंट हैं तो आपको इसकी वेबसाइट पता ही होगी जो कि www.rgpb.ac.in है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट सबसे पहले हमें दिख जाएगी, इस पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि आरजीपीवी की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब ये कुछ नोटिफिकेशन है, इसको ऑफ कर देना है और अब आपको स्क्रॉल करते हुए जाना है सबसे नीचे वेबसाइट के। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट पेन पे सबसे नीचे डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे फॉर्म्स के ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पे ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म डाउनलोड हो गया है। अब हमें इसको ओपन करना है। मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये फॉर्म कैसा होता है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेट हमारे सामने ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ पे अपना नेम देना है, अपने पिताजी का नाम देना है, कोर्स देना है, कॉलेज का नाम देना है, एनरोलमेंट नंबर देना है और ब्रांच लिखना है। अब चूंकि आप जानते हैं कि बी में या बी टेक में 8 सेमेस्टर होते हैं, तो पर सेमेस्टर की डिटेल पूरी आपको यहाँ पे फिल करनी है। लाइक दैट सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम एंड यहाँ पे थ्योरी नंबर है, प्रैक्टिकल ब्लॉक नंबर है, ये मैक्सिमम मार्क्स हैं कि कितने का पूर्णांक है और आपने कितना प्राप्त किया है। तो इस तरीके से आपको पूरे 8 सेमेस्टर का डिटेल फिल कर देना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे साइड ये रजिस्ट्रार का यहाँ पे स्टैंप और सिग्नेचर लगेगा, तो आपको ये पूरा फॉर्म फिल कर लेना है और उसके बाद आपको पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आरजीपीवी जाना है, वहां पे वेरिफिकेशन कराना है अपने डॉक्यूमेंट का और इस पे तभी इस फॉर्म में सील एंड साइन लग जाएगा और आपका ट्रांसक्रिप्ट डॉक्यूमेंट बनके दे दिया जाएगा आपको। अब दोस्तों ज्यादा जानकारी के लिए आपको यहाँ पे कांटेक्ट करना है। आप एक बार आरजीपीवी हेल्पलाइन नंबर पे भी बात कर लीजिएगा, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। सो फ्रेंड्स आई थिंक आपको यह वीडियो सुना ही होगी। अगर वीडियो सुना ही हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें जरूर। मुझे एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।